हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का आपके साथ एक पेपर शेयर करेंगे। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम में 80-90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस पेपर की PDF को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प की। आपको या तो इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये रहे आपके सही विकल्प, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के भी आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थान भरिए। आप इनकी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और इन सबको आपको सॉल्व कर लेना है। अगला हमारा प्रश्न है, एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर दीजिए। दिए गए चित्र में बहुपद PX के लिए Y=PX का ग्राफ दिया है। PX के शून्यकों की संख्या आपको बताना है। यहाँ पर दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। किसी द्विघात समीकरण के विव्यक्तिकर का मान शून्य है तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। 3-3, 4-5-5 का समांतर माध्य क्या होगा। उसके बाद किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। ये रहे आपके इंग्लिश वाले ऑप्शन, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सत्य असत्य आपको बताने हैं। इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अच्छी तरीके से सॉल्व आपको करना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि ऑप्शन में दो आपके क्वेश्चन दिए हैं तो आप पहले को सॉल्व कर लें, दूसरे को सॉल्व करके नहीं जाएं। आपको दोनों सॉल्व करने, हो सकता है दोनों में से कोई एक आपको आ जाए। उसके अथवा वाला प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यक आपको ज्ञात करना है। उसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणन पर क्रमशः 5 और 2 हैं। उसके बाद आठवां आपका प्रश्न है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A=5 सर्व अंतर D -5 है। उसके बाद AP (2-2-6-10) के अगले 4 पद आपको लिखना है। उसके बाद 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको ज्ञात करना है। इसके अदबा वाला प्रश्न ये रहा। उसके बाद आपको K का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदु A (2, 3), B (4K) और C (6, -3) संरेखी होंगे। उसके बाद X और Y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु XY बिंदुओं 7, 1, 3, और 5 के समदूरस्थ हो। उसके बाद 11वां प्रश्न है आपका, यदि बिंदु A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम में हो तो Q का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद बिंदु -4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद cot (85° + cos (75° को 0° और 45° के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। उसके बाद यदि sec(4a) = cosec(a-20°) जहां 4a एक न्यूनतम कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करना है।
उसके बाद त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। उसके बाद आपका अथवा वाला प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। उसके बाद इसका और वाला प्रश्न ये रहा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इनको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात आपको करनी है। इसका अथवा वाला प्रश्न ये रहा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, समीकरण 6x2-x-2=0 को हल कीजिए या फिर इसके ऑप्शन का प्रश्न ये रहा। उसके बाद दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं और श्रेणी 7, 13, 19 --205 में पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न ये रहा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप नोट डाउन प्रश्न को कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके इजीली। उसके बाद इसके और वाला प्रश्न आपका ये रहा, 19वां प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है या फिर एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। 20वां प्रश्न है आपका, रेखिक समीकरण युग्म 2x+3y = 4x+2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि हमने वीडियो बनाई है, उस पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, ये आपके ऑप्शंस रहे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। उसके बाद दोनों भागों को मापिए, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाए वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न ये रहा, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते। लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, साक्षरता दर प्रतिशत में नगरों की संख्या, माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करनी है या फिर इसके और वाला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, इन आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो आपको दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, हो सकता है आपको साक्षरता माध्य साक्षरता निकालना आ जाए, फिर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको अच्छी तरीके से इस पेपर को प्रिपेयर कर लेना है अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80-90% ईजिली स्कोर करना चाहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।